पीएम मोदी के बचाव में गिरिराज का बड़ा बयान, राहुल को बताया इमरान का समर्थक। नमस्कार, न्यूज फॉर भारत में आपका स्वागत है, मैं खुशबू। केंद्रीय मंत्री व बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के चीयर लीडर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्यस्थता के आग्रह वाले बयान पर राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ दिया था। कश्मीर मसले पर डोनाल्ड ट्रंप ने कही ये बात। विदित हो कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मसले पर मध्यस्थता का ऑफर दिया। उन्होंने यह कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे मध्यस्थता के आग्रह किया था। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि अगर ट्रंप का दावा सही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के हितों का साथ धोखा किया है। गिरिराज सिंह ने ट्वीट में राहुल को जवाब दिया। राहुल के ट्वीट के जवाब में गिरिराज सिंह ने यह ट्वीट किया कि राहुल गांधी और कांग्रेस का गजब हाल है। राहुल गांधी तो इमरान खान के चीयर लीडर की तरह बर्ताव करते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि इमरान खान अपनी औकात नहीं जानते। वे रेफरेंडम और कश्मीर का राग छोड़कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को हिंदुस्तान को सौंपने की तैयारी करें, क्योंकि ये मोदी की सरकार है, नेहरू की नहीं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर लगाए ये आरोप। गिरिराज सिंह ने यह बयान राहुल गांधी के ट्वीट के जवाब में दिया। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा था, अगर ट्रंप का दावा सही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के हितों के साथ में धोखा किया है। राहुल ने लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे कश्मीर के मसले पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का करने को कहा था। अगर यह सच है तो मोदी ने भारत के हितों में 1972 के शिमला समझौते के साथ विश्वासघात किया है। इस पर एक कमजोर विदेश मंत्रालय का खंडन नाकाफी है। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि ट्रंप और उनके बीच की बैठक में आखिर क्या बात हुई। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर भारत। धन्यवाद।